घड़ी के कांटों से बंधी हुई है हमारी जिंदगी की हर एक एक्टिविटी, हर एक पहलू। जैसे जैसे ये कांटे आगे बढ़ते जाते हैं और समय के साथ ये मूव करता जाता है, वैसे ही हमारी फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर एक्टिविटी भी चेंज होती जाती है। जब ये घड़ी की कांटे रात को 12 बजे दिखा रहे हैं, तब जो हम फील करते हैं वो सुबह के 6 बजे आप फील नहीं करते। जो चीज़ें हम सुबह के 9 बजे फेस करते हैं वो दोपहर के 3 बजे आप फील नहीं करते। हर एक समय में, हर एक घंटे में आपकी एक्टिविटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे लिथार्जी हो, चाहे थकावट हो, चाहे मेंटल एक्टिविटी हो, लिथार्जी हो, इनएक्टिविटी हो, या सुबह के 6 बजे की ताजगी हो, या सुबह के 9 बजे का वो आपका मन की स्फूर्ति हो, या दोपहर के 3 बजे की वो बोरियत हो। हर एक एक्टिविटी आपके इन्हीं कांटों के हिसाब से मूव करती रहती है। जब आप सुबह के 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो वही ब्रेकफास्ट आपको हर दिन सुबह 9 बजे याद दिलाता है कि अब आपका ब्रेकफास्ट करने का समय हो गया। इस तरीके से हमारी हर एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स होती है। जब हमारी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल, मेंटल या बिहेवियर एक्टिविटी इस घड़ी के 24 घंटे के कांटों में सिमटी बंधी हुई होती है, यही कहलाती है क्रोनोलॉजिकल रिदम, यानी कि हमारी लाइफ के फीलिंग्स के मूवमेंट का इस समय के हिसाब से मूव करते जाना। अब अगर ये दोपहर के 12 बजे हैं तो थोड़ी देर बाद ये दोपहर के 12 बजे से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से एक्टिविटी चेंज होती जाएगी। यहां पे जो हमारा समय है वो बढ़ता जाएगा। समय के बढ़ने के साथ हमारी एक्टिविटी, हमारी हंगरनेस, हमारी थर्स्टनेस, हमारे डिजायरेबल एक्टिविटीज सब बदलते जाएंगे। तो जो हम अभी फील कर रहे हैं ये जरूरी तो नहीं कि आप वही चीज़ बाद में भी फील करें। तो कोई भी एक्टिविटी जो घड़ी के इन कांटों से सिमटी हुई हो, जो इन घड़ी के कांटों के हिसाब से चलती हो, ये पूरी स्टडी कहलाती है क्रोनोलॉजिकल स्टडी। और अगर हम किसी ड्रग के बारे में बात करते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं और ये मेडिसिन आपके इस समय के साथ साथ अपना इफेक्ट चेंज करें, या इस ड्रग को आपकी बॉडी का कोई हिस्सा जिसे हम कहते हैं ADME वो अफेक्ट करें, तो उनकी पूरी स्टडी कहलाएगी क्रोनोफार्माकोलॉजी। ये बहुत ही सिंपल सा है, ये लाइफ का साइकिल है। आपने देखा घड़ी कैसे घूम रही है, कैसे अपना स्थान चेंज कर रही है। हमारी मूड भी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी, हमारी फीलिंग्स भी इसी समय के साथ साथ बढ़ती है। तो जो चीजें आपके इस समय शुरू हुई थी वो आपके अगले दिन, अगले समय तक सेम नहीं रहने वाली। किस ड्रग का असर आपके साइकिल पे पड़ता है, किस साइकिल का असर आपके ऊपर ड्रग पे पड़ता है, दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट की जो स्टडी है, यही है हमारी क्रोनोफार्माकोलॉजी। चलिए व्हाइट बोर्ड में चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारियां। इंट्रोडक्शन के वीडियो को देख करके तो आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अक्सर आपने देखा है कि हमारे रात को सोने से लेकर के सुबह उठने और उठने से लेकर के वापस रात को सोने तक के बीच में जब ये साइकिल ऑफ समय मूव करता रहता है, तो हमारी एक्टिविटी, हमारे मूड, हमारे फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर एक्टिविटी भी साथ में मूव या स्विच होते रहते हैं। कई बार आपने ये भी देखा है कि जब आपको कल सुबह बहुत जल्दी उठना हो, सपोज 4 बजे, जो कि आपकी आदत का हिस्सा ना हो लेकिन काम बहुत जरूरी हो, तो आपके मन में एक टेंशन आता है कि मैं सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो जितने भी तरह के डाउट हैं उनको साइड करने के लिए आप 1, 2, 3, 4 कितने सारे अलार्म्स लगा देते हैं, कहीं मोबाइल पास में रखते हैं, कहीं दूर में रखते हैं, कहीं बहुत दूर में रखते हैं, ताकि उसको उठने के लिए आपको जाना पड़े, वहां पे बंद करना जाना पड़े। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि अक्सर आप में से कई लोगों के साथ, मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि जैसे ही अलार्म 4 बजे का आपने लगाया है तो अलार्म आपको उठाए, इससे पहले आप उस अलार्म को सुला देते हैं। मेरा मतलब है कि आप उससे पहले ही उठ करके, यानी कि 4 बजे से पहले ही उठ करके अलार्म को खुद से बंद करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ने, जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, आपको उस समय से पहले उठा दिया जिसके लिए आपने प्रिपरेशन किए, कई सारे प्रिपरेशन किए, तो ये आपकी बॉडी के ही बायोलॉजिकल क्लॉक का फंक्शन है। अक्सर आप ये भी फेस करते हैं कि रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच, 4 बजे के बीच एक इमेजिन विंडो ले लें तो आपको काफी ज्यादा नींद आती है। 4 से 6 के बीच में आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। सुबह के 6 से सुबह के 9 बजे तक आपकी बॉडी काफी ज्यादा अलर्ट होती है। रात को 12 बजे आप थोड़ा सा ड्राउसीनेस फील करने लगते हैं और दोपहर के 3 बजे भी आप ड्राउसीनेस फील करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम को 6 बजते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन या रिफ्लक्स है वो तेज हो जाता है। रात को जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन काम करते हैं, और जब सुबह उठने वाले होते हैं वे भी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल इफेक्ट हार्मोन्स काफी ज्यादा मात्रा में एक्टिवेट होते हैं। तो इन सब का समय के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
कई सारे एग्जांपल हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सबको शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। इन सब बातों के पीछे आप समझना बहुत स्वाभाविक है कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये टॉपिक है क्रोनोफार्माकोलॉजी। और इस पहले वाले टॉपिक में अस पर योर सिलेबस हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टर्म्स और देयर डेफिनेशन के बारे में। केवल उन्हीं टर्म्स के बारे में नहीं जो आपके सिलेबस में है, बल्कि दो चार टर्म्स और भी ऐड करेंगे जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्रोनोफार्माकोलॉजी से, पहले वह है आपका क्रोनोबायोलॉजी। हर बार एक ही चीज काम आएगी, वह है इनविजिबल कैंची। जब कभी भी आप इनविजिबल कैंची से इन शब्दों को वहां वहां पे ब्रेक करेंगे जिन जिन का मतलब आपको मालूम है, तो आपको हर एक इंडिविजुअल वर्ड बता रहा होगा कि एक्चुअल में वो टॉपिक है किस बारे में। एग्जांपल के देखिए, क्रोनोबायोलॉजी। अब इसमें से कौन कौन से ऐसा वर्ड है जिनको आप जानते हैं, जिनका मतलब आप जानते हैं? चलिए, पहला वर्ड तो होगा क्रोनो, जिसका मतलब आप नहीं जानते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ने वाले हैं। दूसरा है बायो, जिसको आपने कई बार पढ़ा है, आपके 12th 10th से लेकर के बी फार्म एम फार्म सब तक पढ़ा हुआ होगा। और आखिरी में लॉजी, जिसको भी आपने कई बार माइक्रोबायोलॉजी फार्माकोलॉजी इन सब जगह में पढ़ा हुआ होगा। तो दो वर्ड का मतलब आपको मालूम है, दैट मींस बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग लाइफ, और लॉजी दैट इज मेड फ्रॉम लॉगस, दैट मींस का मतलब होता है टू स्टडी करना, मतलब जीवों में उसकी स्टडी करना। पहला वर्ड हमको नहीं मालूम कौन सा वर्ड है। पहला वर्ड है क्रोनो, जिसका मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें लाइफ हो, उस लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी का आपके समय के साथ साथ, एक 24 आवर साइकिल के साथ साथ क्या रिलेशनशिप होगा, उसकी पूरी स्टडी को हम कहते हैं क्रोनोबायोलॉजी। यहां पे सिर्फ इसकी स्टडी है, जबकि दूसरा वर्ड में मैं ऐड कर रहा हूं क्रोनो फार्मा प्लस लॉजी। इसका क्या मतलब हुआ, आप सीधा सीधा बोलूं तो क्रोनो प्लस फार्माकोलॉजी मैंने ऐड किया। क्रोनो मतलब होता है समय, और फार्माकोलॉजी मतलब होता है एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, साइमल्टेनियसली उस बॉडी का उस लिए गए ड्रग के साथ क्या रिस्पॉन्स है, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स है, अनडिजायरेबल इफेक्ट है, ड्रग का डिजायरेबल इफेक्ट है, ड्रग का अनडिजायरेबल इफेक्ट है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है नहीं कर रही है, मेटाबोलाइज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, क्या चीजें हो रही है। सो फार्माकोकाइनेटिक एज वेल एज फार्माकोडायनामिक स्टडी इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। और फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक का समय के हिसाब से क्या स्टडी करेंगे, उसकी स्टडी कहलाती है क्रोनोफार्माकोलॉजी। मतलब अगर मैं कोई ड्रग ले रहा हूं तो इस ड्रग का समय के हिसाब से क्या असर पड़ेगा। दोपहर के 12 बजे ले रहा हूं तो क्या असर पड़ेगा ड्रग का, रात को 12 बजे ले रहा हूं उसी ड्रग को तो उसका क्या असर पड़ेगा, और उसको अगर दोपहर के 12 बजे ले रहा हूं तो मेरी बॉडी क्या रिस्पांस कर रही है, रात के 12 बजे ले रहा हूं तो भी मेरी बॉडी क्या रिस्पांस कर रही है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या रिस्पांस है वो करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल ज्यादा होगा क्योंकि मैं एग्जांपल भी ऐसा ही दूंगा। कई बार आपने शायद यूज ना किया हो, बट मैंने पर्सनल लेवल पे बहुत सारे एग्जांपल इसके फील किए हुए हैं। कई आयुर्वेदिक दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि किसी वैद्य द्वारा, स्टैंडर्डाइज्ड वैद्य द्वारा, मान्यता प्राप्त वैद्य द्वारा, किसी में झोला छाप की बात नहीं कर रहा, जिनको आयुर्वेद रत्न मिला है उनकी बात कर रहा, वो कुछ मेडिसिन ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं जिनका सुबह के 4 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे यानी कि 1 घंटे के मार्जिन के अंदर ही लेना जरूरी है ताकि उसका मैक्सिमम इफेक्ट शो कर सके। अगर उसके बाद लेते हैं तो इफेक्ट की कोई गारंटी नहीं होती और ये अजमाया हुआ है। तो ऐसा क्या, ऐसा क्यों, ऐसा किस पर्पस से, उन सब के पीछे कहानी है, यही आपकी क्रोनोलॉजी। दूसरा जो वर्ड है एक्सप्लेनेशन का, फार्मा का, क्रोनोफार्माकोलॉजी का, वो ये कहता है डील्स विद द कोरिलेशन ऑफ ड्रग्स इफेक्ट टू द सर्काडियन रिदम, यानी कि ड्रग का इफेक्ट सर्काडियन साइकिल पे, सर्काडियन रिदम पे क्या होता है, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, इसकी पूरी स्टडी है। अगर मैं अब वर्ड के ऊपर जाने लगूं तो डेफिनेशन क्या कहेगा, सर्काडियन रिदम तो हमने सुना, अब समझे ही सर्काडियन रिदम क्या है, एक ऐसा स्टडी है जहां पे चेंज इन फिजिकल, आपकी बॉडी के फिजिकल ग्रोथ में मेंशन कर सकते हैं, ग्रोथ में विड्थ में चेंज देख सकते हैं, फिजिकल मेंटल, कब खुश हैं कब उदास हैं कब दुखी हैं, कब अपने आप को समझा रहे हैं कब किसी और को समझा रहे हैं, या तो एक्सप्रेशनल या बिहेवियर भी कह लीजिए, क्या आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं या कंट्रोल करके एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है क्या, क्योंकि बिहेवियर बहुत सिंपल सा है जो हम आसानी से देख सकते हैं। अगर आप एकदम स्फूर्ति हैं, सुबह के 9 बजे फ्रेश फील कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, और अगर रात को वही चीज आपको नींद आ रही है, सेम रिस्पॉन्स करने वाला कोई व्यक्ति सामने होगा तो शायद आप वैसा रिस्पॉन्स ना करें, शायद आप इरिटेट होना स्टार्ट करें, एंड ऑल दिस थिंग्स आर बेस्ड ऑन टाइम साइकिल। तो ये है आपका क्रोनोफार्माकोलॉजी, जिसका सीधा संबंध
टाइम फॉर्मेट में 24 आवर्स 24 घंटे के हिसाब से होता है। अगर मैं बात करूं ये जो आपका सर्कैडियन रिदम है वो किसके द्वारा अफेक्ट होता है, कि ये अफेक्ट होता है लाइट के द्वारा और डार्कनेस के द्वारा। इसका भी क्या लॉजिक है, ये आपका जो सर्कैडियन रिदम है ना केवल ह्यूमन बीइंग, जैसा मैंने कहा लाइव, ये ह्यूमन बीइंग, प्लांट और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी एप्लीकेबल होता है। प्लांट के केस में बहुत आसानी से आप लाइट डार्क का सर्कल का जो सिस्टम है, जो एक इफेक्ट है वो समझ सकते हैं। दिन में प्लांट की ग्रोथ होती है, रात में कुछ अलग होता है उनका, उनके जो सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स है वो अलग होते हैं, जबकि हमारे में अलग होते हैं। मेल फीमेल इन सबके जो सेक्सुअल हार्मोन है उनका भी समय के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूड का स्विंग होना भी इस बात पर डिपेंड करता है। सो लाइट एंड डार्क जो बहुत चीजें हैं, फिलोसॉफिकल मैंने कहा था आपको याद होगा, ये लाइट हमको रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी की ओर। अगर आपके पास पूरा लाइट है, सब तरफ है, आपको डर नहीं लगेगा। एग्जांपल की बात करूं, अगर आप दोपहर के 12 बजे फुल लाइट में आप कोई एकदम हॉरर से हॉरर मूवी देख रहे हैं तो आपको डर का परसेंट बहुत कम होगा। लेकिन अगर वही मूवी सेम टू सेम दोपहर के 12 बजे ना लेकर के रात को 12 बजे देखें जहां सब तरफ अंधेरा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फीलिंग कैसी होगी। अगर आप इस तरह की मूवी को देखना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, तो आपकी जो एंजाइटी का लेवल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो उस मूवी की कहानी वही है, मूवी वही है, कैरेक्टर वही है, स्टोरी वही है, आप वही है, मोबाइल वही है, बड़ा सा जो स्क्रीन है सब कुछ वही है। अंतर किस बात का है, अंतर दो चीजों का है, एक समय AM की जगह PM हो चुका है और दूसरा आसपास की लाइट अंधेरा। तो ये काफी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। आगे बढ़ते हैं तो और ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, ये जो आपका सर्कैडियन रिदम है वो एक छोटे से सेंटर पॉइंट जो कि आपके मिडिल ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है, इसके द्वारा ये कंट्रोल होते रहते हैं। अक्सर आपने जेट लैग का भी नाम सुना होगा कि कोई व्यक्ति इस कंट्री से दूसरी कंट्री में ओवरनाइट ट्रेवल करके जा रहे हैं तो वहां के समय से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहां का दिन यहां का रात, यहां का रात वहां का दिन, ऐसे कई चीजें होती हैं। और कुछ कुछ कंट्रीज में तो काफी सारे लंबे समय तक केवल दिन ही रहता है और कुछ जगह काफी रात ही रहता है, तो वहां पर दिन मतलब उजाले में कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा जो यहां पर दिन रात के फर्क को जानता है, वैसे ही अंधेरे में कोई कैसे एडजस्ट कर पाएगा जो दिन रात के हिसाब से यहां पर इंडिया में सोता है जागता है, वहां पे तो 24 घंटे दिन होगा 24 घंटे रात होगी। तो इस तरह के शॉर्ट टाइम में जब तक आपकी बॉडी आपका माइंड उस पर्टिकुलर जगह से एडजस्ट नहीं कर लेता, सब कुछ इसी क्रोनोलॉजी, क्रोनोफार्माकोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी तीनों चीजों से जुड़ा हुआ होता है। आगे अगर बात करें देह में अफेक्ट, ये किसके द्वारा अफेक्ट होते हैं वो तो आपने देखा, अब ये देखिए कि ये बॉडी में किस किस चीजों को अफेक्ट करते हैं। पहले खुद अफेक्ट हो रहे थे, अब दूसरा दूसरों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये अफेक्ट करेंगे आपके स्लीप को, जो मैंने आपको बोला। अक्सर आप लोगों ने ये भी देखा होगा, मैंने आपको दोबारा कह रहा हूं, पूरे एग्जाम्पल से बढ़ा होगा टॉपिक। आप में से कई लोग जो बेसिकली अभी स्टूडेंट हैं, मोस्ट ऑफ द केस 5 से 6 महीने तक अपने आप घर में हैं, तो इस घर में ही मतलब टाइम के हिसाब से आपकी बॉडी ने 6 महीने बहुत समय होता है एडजस्ट कर लिया होगा। स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आपकी एक प्रॉपर रूटीन हुआ करती थी, एक फिक्स टाइम टेबल हुआ करता था कि आपको सुबह के 7 बजे 6 बजे उठना है, इतने टाइम ब्रेकफास्ट लेना है, इतने बजे आपको कॉलेज के लिए पहुंचना है, फिर लंच का टाइम फिक्स है, फिर शाम को वापस आने का फिक्स है, फिर आपके डिनर का टाइम फिक्स है, ये हर एक चीज फिक्स हुआ करता था। आपकी बॉडी उसी की एडजस्ट कर चुकी थी। अब आप जब घर में आ गए हैं तो उठने का कोई समय नहीं है, खाने का कोई लिमिट नहीं है, और वापस से इन चीजों को सो जाने का कोई समय नहीं है। आप दोपहर में भी सो रहे होंगे, तो लेकिन ये पूरी चीजें जो स्लीप की पैटर्न है वो बिगाड़ देती हैं, बिगड़ जाती हैं आपके सर्कैडियन साइकिल के थ्रू। तो ये जो सर्कैडियन साइकिल है इसका डायरेक्ट इफेक्ट स्लीप पैटर्न पे होता है, स्लीप साइकिल पे होता है, ड्रीमिंग पे होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि 3 बजे से लेकर के लगभग 4 बजे तक आप काफी अच्छी गहरी नींद में होते हैं। उसके बाद है बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी काफी हद तक मेंटेन या कंट्रोल होता है आपकी इसी सर्कैडियन रिदम के द्वारा। उसके बाद देखिए हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स का जो एक सिक्रीशन है पल्सेटिव मैनर में जो रिलीज होते हैं उनका पूरा का पूरा प्रिंसिपल टाइम पे काफी ज्यादा बेस करता है। जो ग्रोथ हार्मोन है बच्चों में, छोटे बच्चे में जो अभी जन्म लिए हैं वो अक्सर सोते रहते हैं मैक्सिमम टाइम, वो 24 घंटे में से मेरे ख्याल से एक रफ आइडिया के हिसाब से 22 घंटा तक तो वो सोते ही होंगे। इनके सोने के पीछे का कारण यह है कि ग्रोथ हार्मोन इस स्लीपी अवस्था में काफी ज्यादा सिक्रीट होता है। मॉर्निंग के समय अगर आप देखेंगे 3 to 4 to 6 के आसपास जितने भी सेक्सुअल हार्मोन है वो ज्यादा इवॉल्व होते हैं, वो एकदम रिलेशनशिप है आपके टाइम के करस्पॉन्डिंग। वैसे ही आपकी बॉडी में जो एपेटाइट है वो भी समय के हिसाब से बढ़ता है, भूख लगती है आपको अपने एक टाइम के हिसाब से। आपके घर में घड़ी है तो आप 8 बजे नाश्ता करते हैं, आपके घर में घड़ी हटा दूं तो भी अगली सुबह आप 8 बजे के आसपास ही प्लस माइनस 30 मिनट
आपको भूख लगेगी ही लगेगी, चाहे आप घड़ी देख रहे हो चाहे ना देख रहे हो। तो ये आपका जो बॉडी है वो समय के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए एबनॉर्मलिटी इन सर्कैडियन रिदम कैन रिजल्ट इनटू सेवरल प्रॉब्लम। अगर इनके रिदम में, इनके साइकिल में, स्विच ऑन स्विच ऑफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हमको दूसरी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, एबनॉर्मैलिटी हो सकती है, जैसे ओबेसिटी, पेट का बाहर निकल जाना एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है सर्कैडियन रिदम का, वो भी एक असर है। दूसरा डायबिटीज, दोनों का रिलेशनशिप तो एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं हम लोग बाद में, और पूरा वीडियो डायबिटीज के ऊपर अवेलेबल है ही है। कितना खाते हैं, कब खाते हैं, क्या हर दिन उसी समय पर खा रहे हैं, या आप लेट नाइट खा के सो जा रहे हैं, या आप सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप कर दे रहे हैं, लंच में जो मिल रहा है वो खा रहे हैं और डिनर में आप पूरा का पूरा थाली खा ले रहे हैं, तो ये चीजें भी आपकी भूख के साइकिल को चेंज करती हैं। थोड़ा थोड़ा खाते तो आपको उतनी भूख क्रेविंग नहीं होती, लेकिन अब प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ओवर ईटिंग होगी और ओवर ईटिंग की वजह से फिर डायबिटीज होने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद देखिए डिप्रेशन का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जैसे मैंने कहा आपको लाइट डार्क फेस के हिसाब से, तो सुबह किसी को डिप्रेशन की संभावना बहुत कम होती है, दोपहर तक शायद ना हो, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगेगी, रात होने लगेगा, अंधेरा आने लगेगा, थोड़ा सा जो डिप्रेशन का लेवल है वो बढ़ने लगेगा। अगर आप अलोन हैं तो भी डिप्रेशन का लेवल बढ़ने लगेगा, और अगर ऑफिस में सबके साथ काम कर रहे हैं तो आप अच्छा फील करेंगे। इन सब का बायोलॉजिकल क्लॉक से लेना देना है ही। उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब होता है मूड का स्विंग होना। अभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद रोने लगेंगे, फिर थोड़ी देर बाद अच्छे से बात करने लगेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है इस सर्कैडियन रिदम पे। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई बार ये चीजें ज्वार भाटा के फॉर्म में हम लोग देखते हैं समुद्र किनारे, उनका चंद्रमा के साथ रिलेशनशिप होता है, वैसे ही हमारी बॉडी की कई चीजों के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके बाद इंसोमनिया, ये भी प्रॉब्लम है, जब ये स्लीप को कंट्रोल करते हैं तो स्लीप के बिगड़ जाने पर इंसोमनिया तो होगा ही, नींद का प्रॉपर ना आना वो तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। साथ में देखिए सेक्सुअल बिहेवियर, मैंने यहां भी कहा कि हॉर्मोन्स का सिक्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा होता है, इनका लेवल अगर बिगड़ जाए, सोने उठने के पैटर्न में आपके चेंज हो जाए, तो इस तरह के जो बिहेवियर एक्टिविटी है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। तो ये हर एक चीज का रिलेशनशिप है, कहीं डायरेक्टली है कहीं इनडायरेक्टली है। आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में, देखिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक। ये जो सर्कैडियन रिदम है इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हमारी बॉडी का एक घड़ी कहते हैं। क्यों घड़ी, शुरुआत से मैंने घड़ी की थी और इस व्हाइट बोर्ड को भी अंत कर रहा हूं घड़ी के साथ ही, पूरा वीडियो खत्म नहीं हुआ, दूसरा पार्ट अभी चलेगा। तो इस बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब यह है कि हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को समय के हिसाब से वो मैनेज करती रहती है। दोपहर के 12 बजे हैं अलर्ट करना है, दोपहर के 3 बजे थोड़ा थकावट फील करना है, 6 बजे भूख लगी है, 9 बजे आपको फिर से भूख लगेगी, और वैसे हर एक एक्टिविटी को समय के हिसाब से चेंज करना, यही है सर्कैडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक का फंक्शन। आगे बढ़ते हैं क्रोनोफार्माकोकाइनेटिक, क्रोनोफार्माकोडायनेमिक के बारे में पढ़ेंगे, मूव करिए सेकंड वर्ड पे। आगे बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन के साथ, और हमारा अगला डेफिनेशन है क्रोनोफार्माकोकाइनेटिक। हमेशा की तरह यही फॉलो करिए, क्रोनोफार्माकोलॉजी आपने देखा, क्रोनोलॉजी का मतलब देखा, और फार्माकोकाइनेटिक तो आपका ऐसा वर्ड है जिसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे क्रोनोफार्माकोकाइनेटिक मतलब ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसा सिचुएशन की स्टडी होगी जहां पे आपके क्रोनोलॉजिकल का यानी कि 24 आवर्स की ये जो क्लॉक साइकिल है उसका असर आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर यानी कि ADME एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग जिसको आपने लिया है किसी भी इंटरवल में 24 घंटे के अंदर उस पर क्या असर पड़ता है क्रोनोलॉजी का, इसकी स्टडी करते हैं। अगर ये वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो सिंपली लिखा हुआ है स्टडी ऑफ चेंजेस इन ADME ऑफ एनी ड्रग विच इज बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टाइम ऑफ द ड्रग विथ रेस्पेक्ट टू 24 आवर टाइम साइकिल, दैट मीन्स सर्कैडियन रिदम या यूं कहें कि क्रोनोलॉजिकल साइकिल के अकॉर्डिंगली। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि ADME में इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहां पे जब आप ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो एडमिनिस्टर किए गए साइट से वो एब्जॉर्ब होकर आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्दर जाके मेटाबोलाइट होगा और अपना एक्शन देगा डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो एब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ड्रग मे बी इंफ्लुएंस्ड बाय आइदर गैस्ट्रिक एसिडिटी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो। दो मेन चीजें यहां पर समझने के लिए, आपके लिए गए ड्रग का एब्जॉर्प्शन अगर ओरल रूट से हो रहा है बेसिकली तो हम उसको गैस्ट्रिक एसिडिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि इसका असर यानी कि इन्फ्लुएंस क्या होगा इस गैस्ट्रिक एसिडिटी का ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे। काफी सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो एसिड मीडियम पे अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको बनाया है इसीलिए गया है कि वो जाके बेसिक सिचुएशन पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ड्रग के प्रोफाइल पे। यहां पे इस तरह के एफर्ट आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को चेंज कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, इसलिए दोनों को साथ
लिखा गया है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो, कौन सा ब्लड किस किस जगह पे पहुंचता है, उस ब्लड के पहुंचने पे, उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे क्या असर पड़ता है। उसका मतलब यह है कि जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो जहां भी आपकी बॉडी में ड्रग प्रेजेंट है, यहां पे तो हम ओरल की बात कर रहे हैं, तो ओरल रूट मतलब आपके इंटेस्टाइनल पार्ट में आपका ड्रग प्रेजेंट है और आपने देखा है मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में, इंटेस्टाइनल पार्ट से ड्रग मूव करके आपके ब्लड में पहुंचता है। सो इफ द ब्लड सप्लाई इज एडिक्वेट, यहां पे मोर का मतलब नहीं है, एडिक्वेट मात्रा में ब्लड सप्लाई से है। सो अगर ब्लड सप्लाई अच्छी हो रही है तो जो ड्रग एब्जॉर्ब होगा वो ब्लड में तो ज्यादा अच्छे से जाएगा ना, और ब्लड में जाने के बाद थ्रू आउट द बॉडी भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन आगे जा करके अच्छा होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो शायद समझने में दिक्कत कॉज करे क्योंकि इसका लॉजिक हमें समझ नहीं आया, वो ये कहता है लिपिड सॉल्युबल ड्रग, जितने मैक्सिमम लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं जो और ये आगे जाकर के आपके साइकोफार्माकोलॉजिकल में बेसिकली पार्ट प्ले करते हैं, इन लिपिड सॉल्युबल ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये माना गया है विच इज एब्जॉर्ब बेटर लाइकली, मतलब ये देखा गया है कि इनका एब्जॉर्प्शन और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉर्निंग के समय एज कंपेयर टू बाकी समय पे ज्यादा अच्छे से होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केवल केवल मॉर्निंग में होता है, आफ्टरनून इवनिंग नाइट में नहीं होता। कंपेयर करेंगे आप टाइम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली then it is likely to be absorbed, संभावना ज्यादा रहती है कि ये ज्यादा अच्छे से मॉर्निंग में एब्जॉर्ब हो सके। दूसरा यहाँ पे एक नोट है और ये नोट सिंपल सा है, कहता है मेटाबॉलिज्म और ड्रग बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम लाइक साइटोक्रोम P450 आर अफेक्टेड बाय सर्काडियन रिदम, जितने हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म है और ये मेटाबॉलिज्म अगर आगे जा करके एंजाइम के द्वारा परफॉर्म हो रहे हैं, उनकी मदद से किए जा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि साइटोक्रोम P450, तो ये जो इफेक्ट है ड्रग के मेटाबॉलिज्म का जो कि बेस्ड है आपके एंजाइम पे, वो सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंगली थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। हार्मोन के साथ भी मैंने बताया था पिछले पॉइंट्स में, आगे बात करते हैं। अगला जो टर्म्स है हमारा डेफिनेशन का, ये है क्रोनोफार्माकोडायनेमिक, ये भी सेम है। क्रोनोफार्माकोडायनेमिक में क्रोनो तो आपका सिंपल सा है जो पहला वर्ड हमने देखा है वो भी, और फार्माकोडायनेमिक मतलब ये होता है कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, यानी कि ड्रग का हमारी बॉडी में क्या असर होता है ये कहलाता है फार्माकोडायनेमिक, और इस ड्रग के असर का बॉडी पे दिखने वाला सिचुएशन अगर आपके सर्काडियन रिदम के द्वारा अफेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा हो तो इसे हम कह सकते हैं क्रोनोफार्माकोलॉजी। यहां पे देखिए स्टडी ऑफ हाउ द इफेक्ट ऑफ ड्रग आर मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द टाइम एट विच दे आर एडमिनिस्टर्ड, यानी कि ड्रग का बॉडी पे होने वाले असर पे हमारे समय का क्या असर पड़ता है इसकी स्टडी अगर हम करते हैं। पहले हम क्या देख रहे थे फार्माकोकाइनेटिक में, इनके एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटा और एलिमिनेशन जो कि बॉडी कर रहा था ड्रग के साथ, उस पे समय का क्या असर पड़ रहा था। अभी हम क्या देख रहे हैं आपके ड्रग के द्वारा दिया जाने वाला इफेक्ट मे बी डिजायरेबल मे नॉट बी डिजायरेबल और इट मे बी टॉक्सिक, व्हाटएवर इफेक्ट ऑफ ड्रग इज, इसके इस फिनोमिना पे आपके लिए गए समय का क्या असर पड़ेगा उसको हमको देख के स्टडी करनी है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप कोई नींद की कॉज करने वाली दवाई ले रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जनरल है इससे मैच ज्यादा नहीं करेगा, तो अगर आप नींद को कॉज करने वाली ड्रग दे रहे हैं और आप भरी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे आप उस ड्रग को देंगे जिस समय व्यक्ति थोड़ा सा अलर्ट ज्यादा होता है, मैंने आपको कल बताया था, तो इस अलर्टनेस के ऊपर आपका नींद कॉज करने वाली ड्रग दोनों को फाइट करना पड़ेगा। नींद तो कॉज होगी लेकिन कितनी वो आप एक्स फैक्टर के रूप में देखें, लेकिन अगर रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच जहां पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमें नींद ज्यादा आता है उस समय किसी व्यक्ति को नींद की दवाई दी जाए तो वो इफेक्ट ज्यादा करेगा। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है। सो देखिए ये हो गया हमारा क्रोनोफार्माकोडायनेमिक, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा बाकी तो सब एक जैसे ही है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोनोथेरापोटिक्स, ये एक नया डेफिनेशन है क्रोनोथेरापोटिक्स, अगेन यहां पे क्रोनो सेम टू सेम, द डिफरेंस इज थेरापोटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेरापोटिक, जब आप किसी एक पर्टिकुलर ड्रग का असर अपने डिजायरेबल इफेक्ट के साथ जोड़ करके देखते हैं, जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं वही इफेक्ट थेरापोटिक कहलाता है। कोई भी ड्रग अगर आप लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल टेलमिशाटिन की बात कर लेते हैं रैंडम एग्जाम्पल, वो आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
टेलमिसार्टन जब आप ले रहे होते हैं तो आप उस ड्रग से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेरे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे लेके आए, ये आपका डिजायरेबल है। वो कोई मैजिकल बुलेट तो नहीं है कि एकदम वही चीज देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो दे जो आप चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ पैरेलली वो अनवांटेड इफेक्ट भी शो कर सकता है। जस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, एरिथमिया कॉज कर सकता है, या कुछ और तरह के अनवांटेड साइड इफेक्ट माइनर टू मेजर कॉज कर सकते हैं, लेकिन हमको वो चीज नहीं चाहिए ना, हमको डिजायरेबल चाहिए। तो थेरेप्यूटिक का मतलब ये होता है कि आप उसमें से आप फिल्टर लगा दें, नहीं डिजायरेबल वाले को हमको ही चाहिए, अनडिजायरेबल वाले आप जाओ। तो ये थेरेप्यूटिक वैल्यू किसी भी ड्रग के लेने पे क्रोनोफार्मकोलॉजिकल स्टडी से समय के साथ अगर ले ले तो उस ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट में क्या चेंजेस आएगा, चेंजेस मतलब क्या अच्छा होगा। अगर किसी भी ड्रग को मैं मॉर्निंग में लेता हूं तो एक्स नंबर इफेक्ट मिलता है, उसी ड्रग को मैं दोपहर पे लेता हूं तो वाई इफेक्ट मिलता है, और उसी ड्रग को मैं अगर शाम को लेता हूं तो जेड इफेक्ट मिलता है, जेड सबसे अच्छा इफेक्ट है। तो आप देखिए कौन सा समय अच्छा हुआ, ये शाम का समय अच्छा हुआ, देन ओनली यू कैन नाउ अगेन आगे से आप उसको उसी समय पे देंगे जहां पे उसका अच्छा इफेक्ट ज्यादा मिलता है। यही पूर्व को मिलाकर समरी इनकी स्टडी इफ बट को मिलाकर के जो होगा स्टडी वो कहलाएगा आपका क्रोनोथेरापोटिक्स थेरेपी बेस्ड ऑन डिजायरेबल एक्टिविटी ऑफ ड्रग। तो डिजायरेबल एक्टिविटी ड्रग पे समय का क्या असर पड़ेगा, किस समय ज्यादा अच्छा और कम से कम बुरा इफेक्ट मिलेगा, वो हमारे इस पॉइंट की स्टडी का एक्सट्रैक्ट होता है। इसी को देखिए एप्लीकेशन ऑफ द सर्कैडियन रिदम, बहुत सिंपल तरीका से समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो सर्कैडियन साइकिल है हमारा, एक आपके 12 बजे 6 बजे और इसके साथ 3 बजे और 9 बजे, ये घड़ी के कांटे इसी तरीके से मूव करते रहते हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा समय है जिसका असर आपके ड्रग के एक्शन पे ज्यादा अच्छा पड़ेगा। एक्शन मतलब डिजायरेबल एक्शन हमको ज्यादा अच्छे से मिलेगा, जबकि उस समय अनडिजायरेबल इफेक्ट हमें कम से कम मिलेगा। और सिंपल एग्जाम्पल ले लें, अगर आपको फर्स्ट जनरेशन का एंटीस्टामिनिक ड्रग दिया गया, मॉर्निंग में दे दिया गया, तो उसका असर तो अच्छा होगा ही, लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट होगा कि आपको नींद आएगी। अब सुबह नींद आए ये तो कौन चाहता है भाई, कोई नहीं चाहेगा अपने काम में डिस्टर्बेंस होना। तो इसी ड्रग को अगर हम शाम को ले लें या रात को ले लें, तो शाम को तो आपको कोई ऑफिशियल काम करना नहीं होता, कोई हैवी मोटर व्हीकल ड्राइव करना होता नहीं क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और रात को तो आपको सोना ही है। तो ये आपके लॉजिकली ये कह रहा है कि आपको उस समय ये ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। देख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ दिस क्रोनोलॉजिकल स्टडी और सर्कैडियन रिदम वेरिएशन टू द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और मैचिंग द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कैडियन रिदम टू ऑब्टेन अ बेटर इफेक्ट ऑफ ड्रग। वर्ड्स बहुत क्लिस्टी हैं, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड यूज किए गए हैं, लेकिन सिंपल तरीका यही है कि अगर मैं एक ड्रग को अलग अलग टाइम पे देता हूं और अलग अलग दिए गए टाइम पे मैं उनके अच्छे और बुरे इफेक्ट की कंपेरेटिव स्टडी करता हूं, और अगर ये पाता हूं कि इस पर्टिकुलर ड्रग को इस समय देने से हमें अच्छा इफेक्ट मिल रहा है, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जा रहा है वह इसी सर्कैडियन रिदम पे जाएगा, क्योंकि वो समय के हिसाब से चेंज हुआ उनकी थेरेप्यूटिक वैल्यू में। ये मैंने बहुत ज्यादा सिंपल करने की कोशिश की, होप आपको समझ में आया होगा। So, इन कुछ बेसिक टर्म्स के साथ हमारा पहला पार्ट ऑफ क्रोनोफार्माकोलॉजी यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम इनके कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन और इनके यूटिलाइजेशन इन फार्मेसी, इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी, ये देखने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो का जो रेफरेंस है वो है आपका पद्मजा उदय कुमार। इफ यू डू नॉट हैव पद्मजा उदय कुमार, डू नॉट वरी, आफ्टर सम टाइम आई विल बी अवे फ्रॉम दिस व्हाइट बोर्ड, देन यू मे हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेक्चर। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you.